नमस्कार दोस्तों, असम राइफल रिक्रूटमेंट को लेकर बड़ी खुशखबरी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और खास बात दोस्तों ये है कि कुल मिलाकर 21 पोस्टों पर आपका ये रिक्रूटमेंट है वो असम राइफल में होने वाला है। दोस्तों अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अलग अलग ही उनका एज क्रिटेरिया है। तो इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम पूरी अलग अलग पोस्टों को एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल है, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाली है। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आगे आने वाली हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये फेक है, लेकिन दोस्तों ये ऑफिशियली अपडेट है। बहुत समय पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके लिए कम से कम 1000 से 1200 पदों का असम राइफल का रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो दोस्तों आपका आखिरकार आपका फाइनली आज रिक्रूटमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। अब दोस्तों आप यहां पर देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय की तरफ से असम राइफल की तरफ से निकाला गया है। और डेट आप यहां पर देख लीजिएगा 16 अगस्त 2021 को ये जारी हुआ है। यहां पर आपके पूरी चीजें सारी चीजें यहां पर मेंशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर तक आपको यहां पर मिल जाएंगे। और यहां पर आप देख लीजिएगा एडवाइजरी कंडक्ट ऑफ असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021-22। दोस्तों यहां पर आपकी ये रिक्रूटमेंट रैली होगी, और रिक्रूटमेंट रैली में आप सभी को पता होगा सबसे पहले फिजिकल होता है, और फिजिकल में क्वालिफाई होने के बाद ही आप अगले चरण में जा पाओगे। अब बात करते हैं यहां पे कब से लेकर कब तक आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू किए जाएंगे। इस बार दोस्तों आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो यहाँ पर 1230 वैकेंसी है टोटल, और 21 वेरियस ट्रेड अलग अलग बी और सी ग्रेड की 21 अलग अलग पोस्ट है। और अप्रोक्सीमेटली सभी के लिए इफिशियंसी टेस्ट फिजिकल आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और दोस्तों खास बात है कि एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पर आ चुकी है। एग्जामिनेशन आपका है वो दिसंबर में होने वाला, मतलब 1 दिसंबर से आपके फिजिकल भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है कब से ऑनलाइन आपके फॉर्म शुरू हो गए। जो वैकेंसी है आपकी वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एसएससी की तरफ से यहाँ। उसके साथ ही दोस्तों ऑनलाइन आपके फॉर्म है वो 11 सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर बात करें तो 11 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक 11 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल आप यहाँ पर देख लीजिएगा असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही अलग अलग पोस्टों की बात करें तो सबसे पहले बी ग्रेड पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर नायब सूबेदार की वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 22 है, और यहाँ पर आप 10वीं पास होनी चाहिए, साथ ही आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, आपकी एज 18 से लेकर 23 साल तक होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है और सभी के लिए एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को आयु में 3 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली। उसके साथ ही अब बात करते हैं दोस्तों ग्रुप सी रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पर आपके लिए कलर्क की वैकेंसी है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और रैंक आपकी रहेगी हवलदार। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, टोटल वैकेंसी 349 है, और यहाँ पर आप केवल और केवल 12वीं पास होने चाहिए, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास किए, अगर आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में है, तो आप इस भर्ती के लिए आराम से अप्लाई कर सकते। मिनिमम आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, एससी एसटी 30 साल तक, और ओबीसी वाले कैंडिडेट 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका रिक्रूटमेंट है वो है पर्सनल असिस्टेंट का, बिल्कुल मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर वारंट ऑफिसर आपकी रैंक है और आपकी एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, टोटल वैकेंसी 19 है, और यहाँ पर भी आप 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही आपकी टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ ही नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल की वैकेंसी है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है ओनली, राइफल मैन की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी आपके 42 है, और यहाँ पर भी आप 10वीं पास होना चाहिए,
दसवीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज 18 से 23 साल, एससी एसटी है वो यहाँ पर 28 साल, ओबीसी 26 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ ही लाइनमैन की भी यहाँ पर वैकेंसी आई है, लाइनमैन फील्ड मेल कैंडिडेट की है, राइफलमैन की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 28 है और यहाँ पर भी आप दसवीं पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास में आईटीआई का डिप्लोमा भी होना चाहिए। एज क्राइटेरिया वही रहेगा आपका 18 से 23, एससी एसटी 28 और ओबीसी 26 साल तक। उसके साथ ही यहाँ पर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक की वैकेंसी है जो केवल मेल कैंडिडेट की है, राइफलमैन की आपकी वैकेंसी रहेगी, टोटल पोस्ट आपके 3 है, दसवीं पास आप होना चाहिए। उसके साथ ही नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल की वैकेंसी है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए, टोटल 24 वैकेंसी है और यहाँ पर भी आप 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास में आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका वही रहेगा, राइफलमैन की जितनी भी वैकेंसी है कोई सी भी ट्रेड से हो, एज 18 से 23 जनरल, 18 से 26 ओबीसी और 18 से 28 है वो आपके एस सी एस टी कैंडिडेट की होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की मैकेनिक की वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की, रैंक आपकी रहेगी हवलदार, टोटल वैकेंसी 12 है और 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही आईटीआई का डिप्लोमा भी आपके पास में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 23 साल रहने वाला है। वही नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों आपकी व्हीकल मैकेनिक की है जो मेल कैंडिडेट की है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपके 35 है और यहाँ पर भी आप 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आईटीआई का डिप्लोमा भी आपके पास में होना चाहिए। एज 18 से 23 वर्ष, 26 साल तक ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ ही ओपोस्टर की वैकेंसी है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए, रैंक आपकी राइफलमैन रहेगी, 10वीं पास और आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, टोटल 14 वैकेंसी पर ही आपका रिक्रूटमेंट होने वाला, एज क्राइटेरिया आपका वही रहने वाला। उसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा इलेक्ट्रीशियन मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है और यहाँ पर भी आपके 43 वैकेंसी है, केवल और केवल 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आईटीआई का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके व्हीकल मैकेनिक मेल कैंडिडेट की और यहाँ पर टोटल 35 वैकेंसी है और आप 10वीं पास और आपके पास में आईटीआई का डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही इलेक्ट्रिशियन मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है राइफलमैन की, यहाँ पर 43 वैकेंसी है, प्लम्बर की वैकेंसी भी आई है, प्लम्बर की वैकेंसी टोटल 33 है, 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए या प्लम्बर ट्रेड का सर्टिफिकेट उसके पास में है तो प्लम्बर के लिए अप्लाई कर सकता है। एज क्राइटेरिया आपका वही रहेगा 18 से 23, 26 साल तक ओबीसी, एससी एसटी 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों आपके सर्वाइवर मेल कैंडिडेट की, राइफलमैन की वैकेंसी है और यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी 10 है और 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, आपकी एज 20 साल से लेकर 28 साल होनी चाहिए, जनरल की एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की यहाँ पर भी आयु में छूट मिलने वाली है। नेक्स्ट है आपकी दोस्तों अक्षर असिस्टेंट की वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की, रैंक आपकी हवलदार रहेगी, वैकेंसी आपकी 28 है, अगर आप 10+2 पास हो और अक्षरे का आपके पास में, रेडियोग्राफर का आपके पास में डिप्लोमा है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेगी वॉरंट ऑफिसर की, वैकेंसी आपकी 9 है और अगर आप 12वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फार्मिस्ट की है जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, रैंक आपकी रहेगी वॉरंट ऑफिसर है, 32 आपकी वैकेंसी है, 10+2 आप पास होना चाहिए, एज आपके 20 से 25 होनी चाहिए, एससी एसटी 30 साल तक, ओबीसी वाले 28 साल तक रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख लीजिएगा अक्षरे के साथ में ही आपके फार्मिस्ट की भी वैकेंसी आई है और फार्मिस्ट के लिए आपकी टोटल वैकेंसी 32 है, वॉरंट ऑफिसर आपकी रैंक रहेगी, 10+2 आप पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास में फार्मेसी का डिप्लोमा है, एज आपके 20 से 25 साल तक है, जनरल कैटेगरी एससी एसटी के लिए 5 साल की और ओबीसी के लिए 3 साल की यहाँ पर भी आपको आयु में छूट मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई है फीमेल कैंडिडेट की, राइफलमैन रहेगी आपकी पोस्ट, टोटल वैकेंसी 9 है, केवल और केवल 10वीं पास होना चाहिए, एज में भी काफ़ी छूट मिलेगी, 18 से 25 साल जनरल वाले, 18 से 30 साल वाले एससी एसटी और 18 से 28 साल तक ओबीसी वाले अप्लाई कर पाएंगे। बार्बर की वैकेंसी है जो कि मेल कैंडिडेट की है, पोस्ट रहेगी आपके राइफलमैन, 68 वैकेंसी है, 10वीं पास होना चाहिए, एज 18 से 23 साल होनी चाहिए, एससी एसटी है वो 28 साल तक, ओबीसी 26 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। कुक की वैकेंसी है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है, पोस्ट आपके राइफलमैन रहेगी, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, कुल मिलाकर 339 पद अकेले कुक की है और 10वीं पास वाले अप्लाई कर पाएंगे, एज क्राइटेरिया आपका वही रहने वाला है।
उसके अलावा दोस्तों मसालसी की बात करें तो मसालसी केवल मेल कैंडिडेट की वैकेंसी आई है, राइफलमैन आपकी पोस्ट रहेगी, टोटल वैकेंसी आपके 4 है और अगर आप 10वीं पास है तो मसालसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही मेल कैंडिडेट सफाई कर्मचारी की भी वैकेंसी है जो कि 107 पदों पर होगी और 10वीं पास और एज आपके 18 से 23 साल। एससी एसटी वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पर 28 साल और ओबीसी वाले 26 साल तक अप्लाई कर पाएंगे और टोटल आपकी वैकेंसी 1230 पदों पर होने वाली है। फिजिकल से रिलेटेड पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो साइड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करवा दूंगा और जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर असम राइफल रिक्रूटमेंट 1230 राइफलमैन और हवलदार पोस्ट का लिंक मिल जाएगा और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों पूरा पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा और वहाँ पर आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे फिजिकल से रिलेटेड। यहाँ पर देख सकते हो ये पोस्ट ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आपकी हाइट कितनी चाहिए, वेट कितना होगा, कितनी आपकी रनिंग होगी, क्योंकि सबसे पहले आपका फिजिकल ही होने वाला है। एससी एसटी को हाइट में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, नॉर्थ इंडिया जोन वाले कैंडिडेट को कितनी छूट मिलेगी, पूरी जानकारी आप यहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। 11 सितंबर से आपके ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट रहेगी आपके 25 अक्टूबर और फिजिकल आपके 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के पास में। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर आपको हर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी भी सबसे पहले मिलती रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।